हो रहे हैं 6:20 और मुझे लेनी है फ्लाइट है वन नाइट का, तो लग रहा होगा ना देख के सो के उठी हूँ, सो के ही उठी हूँ अभी यार। JB's हो रहे हैं 6:20 और मुझे लेनी है फ्लाइट, तो बताती हूँ कहाँ की फ्लाइट लेनी है, स्टे ट्यून्ड। चले आर्यन चले, चलो तू ड्राइव कर रहा। निकल गए हैं और मेरे साथ है आर्यन और पापा जो कि आगे बैठे हैं, और हमें एयरपोर्ट पे ज्वाइन करेंगे बुआ फूफा जी और मेरे दोनों भाई, तो लेट्स सी आगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। नहीं गाइस, हम पहुंच गए हैं और ऑलमोस्ट हमें कितना टाइम हो गया, 5-10 मिनट मैक्स, 15 मिनट हुए हैं। हमें गाड़ी पिकअप करने आ गई थी एंड सब लोगों जिनके साथ मैं जा रही हूँ, और लेट्स सी आगे का क्या रहता है। यहाँ हाउस बोट में हमारा स्टे है वन नाइट का, तो अभी हमने क्रॉस करा है, ये हमने क्रॉस करी थी एंड यहाँ से हमने ली थी एंट्री, यहाँ पे बोट दिख रही है वहाँ से, एंड मैं स्टे की जगह दिखाती हूँ आपको। तो हमने शूज़ उतारे, बहुत ही क्यूट सा है, लाइक सो होता है ना पुराने घर वैसी है बिल्कुल, इट्स सो प्रिटी। ये डाइनिंग एरिया बिल्कुल वाइब आती है ऐसे, तो पुरानी वाली। मैं रूम दिखाती हूँ, ऑलमोस्ट सारे ये लगेज एरिया है इनका, लाइक छोटी सी गली है उन्हीं में रूम्स हैं, इतने प्यारे प्यारे। और हाँ ये खुजली करता हुआ मेरा भाई ये मेरा रूम है, ओके ये मेरा रूम है, डिसेंट सा है यहाँ पे, लाइक ये मिरर है सो मैं दिख रही हूँ। बाथरूम बहुत ही प्यारा, मज़ा आ गया यहाँ से, आप लाइक बाहर का थोड़ा बहुत व्यू है, मिरर है एंड ये बाथटब है, बहुत ही प्यारा। उसके बाद ये मेरे भाई का रूम है, मतलब ये मैंने उसे दिया है, इसके रूम में एसी है यार, मेरे रूम में एसी नहीं है, और ट्रस्ट मी यहाँ बहुत गर्मी है, ऐसा नहीं है कि लाइक ठीक है, इधर लिटरली गर्मी है यार, नो डाउट। और मेरी हालत देखे पता चल रहा हो, अगर मैं एसी की बात कर रही हूँ तो लिटरली बहुत गर्मी है। एनीवेज चलो देखते हैं कैसे क्या है, शाम को हमारी बोट राइड है, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। ओके बाय।